हेलो दोस्तों, का फिर से न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आज के ट्रेडिंग सेशन में रफली 2% के अराउंड में गिरावट देखने मिला है। हालांकि दोस्तों जब स्टॉक की प्राइस ओनली 70 रुपये के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने मिला था, वहां से आप लोग के वीडियो बनाकर डिस्कस किया था दोस्तों इस स्टॉक के ऊपर हमें फोकस बनाकर रखना चाहिए, फ्यूचर में इसका प्राइस काफ़ी आगे जाते हुए देखने मिलेगा। और दोस्तों 70 रुपये के स्टॉक रफली 250 रुपये के आसपास में देखने को मिला और वहां से इस स्टॉक में अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। हालांकि दिसंबर क्वार्टर का इसका सेल्स में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में आजकल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों इसका प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है, इसका बिजनेस अच्छा खासा है, जिसके वजह से फ्यूचर में इसका प्राइस यहाँ से भी काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो चलिए इस स्टॉक से सारा इन्फॉर्मेशन एक बार देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पिछली 1 मंथ की बात करेंगे तो यहाँ पर रफली 6% के अराउंड में गिरावट का फिगर है, जो कि पिछले 6 मंथ की बात करें तो पिछले 6 मंथ में इस स्टॉक में रफली 11% के आसपास के गिरावट का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों पिछले 1 साल की बात करेंगे तो पिछले 1 साल में इस स्टॉक में रफली 160% से एवव का मुनाफा का फिगर है। और दोस्तों यहाँ से इस स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा हमें साइड जोन में देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों सबसे अधिक दिनों की बात करेंगे तो स्टॉक हमें 2022 के जुलाई में लिस्ट होते हुए देखने को मिल रहा है और दोस्तों वहां से अभी तक 500% के आसपास में मुनाफा दिया है, यानी कि पिछले 2 साल के अंदर में इस स्टॉक में यहां पे जैकपॉट की तरह रिटर्न का फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इसका प्राइस का ग्राफ भी देख समझना चाहिए, स्टॉक अभी तक जैकपॉट साबित हुआ है। हालांकि दोस्तों फ्यूचर में इसका प्राइस यहाँ से भी काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है, तो आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। हालांकि यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से डी देव प्लास्टिक इंडस्ट्री लिमिटेड की रिगार्डिंग। पिछले साल के सेल्स के रिगार्डिंग की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर रफली पिछले साल 2500 करोड़ के आसपास का सेल्स का फिगर देखने को मिला था। और दोस्तों इम्प्लॉय की बात करेंगे तो यहाँ पर 373 का फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्शन साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे 5 का फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ऑफिस की बात करें तो यहाँ पे 7 ऑफिस का फिगर है। और दोस्तों यहाँ पे इसका न्यू प्रोडक्ट आप लोग के सामने में न्यू प्रोडक्ट भी इसका यहाँ पे लॉन्च हुआ था, और जिसकी वजह से इस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिला। और दोस्तों आजकल थोड़ा सा इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है, हालांकि इसका प्रोडक्ट अच्छा खासा है, बिजनेस काफ़ी शानदार है। और दोस्तों यहाँ पर इसका कस्टमर सर्टिफिकेशन की बात करें तो 122 का फिगर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि ये भी अपने आप में काफ़ी शानदार है। तो आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना कर रख सकते हो, फ्यूचर में इसका प्राइस रफली 500 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे इस स्टॉक का मार्केट कैपिटेशन की रिगार्डिंग, तो रफली 2100 करोड़ से एबव का फिगर है, जो कि वेरियस स्मॉल कैप से बिलोंग करता है, जिसके वजह से थोड़ा सा रिस्क भी है, हालांकि रिस्क से ज़्यादा इसके अंदर हमें रिवार्ड का फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इसका 50 के हाई की बात करेंगे तो रफली 250 रुपये के आसपास का हाई है, जो कि लो की बात करेंगे तो ओनली यहाँ पे 68 के आसपास का फिगर है। और दोस्तों स्टॉक प्रिच की बात करेंगे तो यहाँ पे ओनली हमें 13 के आसपास का फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि दोस्तों इंडस्ट्री के प्रिच की बात करेंगे तो यहाँ पे 34 का फिगर है, यानी कि जो इसका प्राइस है अंडर वैल्यू है। दोस्तों यहाँ पर रिटर्न की बात करेंगे तो काफ़ी शानदार फिगर है, रिटर्न कैपिटल इंप्लॉयड का फिगर भी जबरदस्त है, डिविडेंड की बात करेंगे 0.48 का फिगर है। और दोस्तों यहाँ पे फेस वैल्यू ₹1 का फिगर है। हालांकि दोस्तों हम बात करेंगे इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग का, तो यहाँ पे 75 के आसपास का होल्डिंग है, जो कि कोई प्रमोटर का सिर्फ प्लेस नहीं है। EPS की बात करेंगे तो रफली 16 रुपये के आसपास का फिगर है। हालांकि दोस्तों डेप्ट टू इक्विटी की बात करेंगे तो 0.08 का फिगर है, यानी कि कोई खास डेप्ट नहीं है, ऑलमोस्ट कंपनी डेप्ट फ्री है। और दोस्तों फ्री कैश फ्लो का फिगर 117 करोड़ का फिगर है, जो कि अपने आप में काफ़ी शानदार है। तो इसका PE रेशियो काफ़ी अट्रैक्टिव है, आप लोग इस स्टॉक पर फोकस बनाकर रख सकते हो, इसका जो करेंट प्राइस है अंडर वैल्यू देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे इसे क्वार्टरली सेल्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे देख सकते हो एवरी क्वार्टर का सेल्स अपने आप में काफ़ी शानदार है। हालांकि यहाँ पे सेप्टेम्बर क्वार्टर के सेल्स के अकॉर्डिंग दिसंबर क्वार्टर के सेल्स में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला। और दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई गिरावट नहीं है दिसंबर क्वार्टर में अकॉर्डिंग टू यहाँ पे सेप्टेम्बर क्वार्टर। हालांकि दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट में 2 करोड़ का ओनली गिरावट का फिगर है, जो कि कोई खास नहीं है, यानी कि सितंबर क्वार्टर में 42 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि दिसंबर क्वार्टर में यहाँ पे ओनली 40 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है,
यानी कि यहाँ पे ओनली 2 करोड़ का गिरावट है, जो कि कोई खास नहीं है। हालांकि दोस्तों इसका ईयरली सेल्स की बात करेंगे तो एवरी ईयर कंपनी अच्छा खासा इंक्रीमेंट के साथ में अभी तक सेल्स का फिगर शो किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो ये भी अपने आप में काफ़ी शानदार फिगर है एवरी ईयर का। और दोस्तों यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट का फिगर भी ईयरली जबरदस्त फिगर हमें देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक फ्यूचर के लिए काफ़ी शानदार है, आप लोग इस स्टॉक को फर फोकस बना के रख सकते हो। यहाँ पर रिजर्व की रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एवरी ईयर का रिजर्व का फिगर भी काफ़ी शानदार है, जबरदस्त है। हालांकि दोस्तों ब्रोइंग की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट कंपनी डेब्ट फ्री है। और दोस्तों फिक्स एसेट की बात करें तो फिक्स एसेट का फिगर भी यहाँ पे काफ़ी शानदार तरीके से एवरी ईयर का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक फ्यूचर के लिए जबरदस्त है, आप लोग इस स्टॉक को फर फोकस बना के रख सकते हो। फ्यूचर में इसका प्राइस हमें डेफिनेटली 500 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। और दोस्तों हम बात करेंगे इसका शेयर होल्डर अपडेट की रिगार्डिंग, तो यहाँ पे दोस्तों प्रमोटर का होल्डिंग 75% के आसपास का होल्डिंग है, जो कि एफआई का होल्डिंग रफली यहाँ पे 0.12 का फिगर है। हालांकि दोस्तों डीआई का होल्डिंग यहाँ पे 0.25 का फिगर ओनली देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों रिटेल का होल्डिंग यहाँ पे 25% के आसपास का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डर अपडेट अपने आप में काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन एफआई एंड डीआई का होल्डिंग कोई खास नहीं है। हालांकि दोस्तों प्रमोटर का होल्डिंग 75% का है, जो कि काफ़ी शानदार है। यहां पर दोस्तों बात करेंगे अगर यहां से इस स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें गिरावट का फिगर और देखने को मिलता है तो इसका प्राइस 175 के आसपास में देखने को मिलेगा। अदरवाइज फ्यूचर में इसका प्राइस 500 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, स्टॉक अभी तक जैकपॉट साबित हुआ है और फ्यूचर में भी इसमें अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका एवरी क्वार्टर एंड एवरी ईयर का सेल्स एंड नेट प्रॉफिट का फिगर अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। आप लोग इस स्टॉक को फिर फोकस बना के रख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद कर वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा जो वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू, बाय।